अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से जो है क्या किया जा सकता है, नस्ल बढ़ाई जा सकती है। अमल तौलीद के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। और जो आज हम जिस सिस्टम को पढ़ेंगे वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस चीज़ के अंदर? मेल के अंदर। इंसान का जो मेल है, जो मर्द है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम देखेंगे। तो इसको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले ये एक स्केच आप देख सकते हैं, आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। इसके अंदर जो भी लेबलिंग है आपने उसको अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहले बात की जाए, ये इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? पिनिस कहते हैं। इसको हम पिनिस कहते हैं। इसके साथ साथ जो है ये जगह क्या कहलाती है? फोरस्किन कहलाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रीपोस कहते हैं। इसके बाद अगर देखें यहाँ पे, इसको हम स्क्रॉटम कहते हैं, जो मतलब कि मसल से बनी हुई थैली होती है जिसके अंदर टेस्टीज होते हैं, उसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। इसके अंदर ये वाले क्या हैं? टेस्टीज हैं। यहाँ पे नालियाँ होती हैं, उनको हम एपिडेडमस कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। और ये वाली जगह एनस कहलाती है। ये ग्लैंड होते हैं, इनको हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद ये वाली जगह जिसको हम रेक्टम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। इसी तरह ये जो लंबी नाली जा रही है, इसको हम एक डक्ट है, इसको हम कहते हैं वेस डिफेंस। उसके बाद ये जो है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरिथ्रा है। अब ये आपके सामने स्केच बना हुआ है, यहाँ से मज़ीद समय नहीं आएगी। इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए जो है हमने ये डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है। इसको आपने देखना है। ये आपके पास क्या है? थैली, मसल से बनी हुई थैली है। इसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। अभी मैंने बताया है, मसल से बनी हुई थैली, इसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इनके अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ें, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। इसी तरह इसके पास नालियाँ होती हैं, इसको हम कहते हैं एपिडेडिमस। ये आपके सामने लंबी नाली जा रही है, इसको हम कहते हैं वेस डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये वाले ग्लैंड, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और लास्ट में आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम होगा कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड। ये आपके सामने स्केच बना हुआ है, एक एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको एज इट याद कर सकते हैं। अब हम इसकी जो थ्योरी है वो कैसे याद करनी है, इसको कैसे समझना है, हम उसकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो जेनिटेलियल पर मुश्तमिल है। दो जेनिटेलियल पर। इनमें पहला है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलियल, दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल जेनिटेलियल। एक्सटर्नल जेनिटेलियल, इंटरनल जेनिटेलियल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो जेनिटेलियल पर मुश्तमिल है, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल बैरूनी, इंटरनल अंदरूनी। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलियल की। तो एक्सटर्नल जेनिटेलियल के अंदर पिनिस और टेस्टिस शामिल हैं। पिनिस की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं कपुलेटरी ऑर्गन। कपुलेटरी ऑर्गन का मतलब यह है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके सामने ये जो है, इसको हम क्या कहते थे? पिनिस कहते थे। और इसी का दूसरा नाम क्या है? कपुलेटरी ऑर्गन है। अब इसके बाद देखें, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी मस्कुलर सेल्स। ये स्पॉन्जी मस्कुलर सेल्स पर मुश्तमिल होता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू फीमेल विजाना। फीमेल के विजाना के अंदर स्पर्म की तरसील के लिए जो है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दाखिल करने का काम कौन करता है? पिनिस करता है। फिर से सुने, पिनिस क्या है? इसको हम कहते हैं कपुलेटरी ऑर्गन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना होता है, स्पॉन्जी मसल्स का बना हुआ होता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मेल से स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विजाइना के अंदर दाखिल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिनिस कहते हैं। ये जो आपके सामने है इसको हम पिनिस का नाम देते हैं। आप इसके बाद मजीद देखें, टेस्टिस, हर मेल के पास टेस्टिस का एक जोड़ा होता है, इसी वजह से हम कहते हैं पेयर इन नंबर, एक जोड़ा होता है। आलमंड साइज, इसका साइज एक बादाम के बराबर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर देखें टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका जो मतलब टेस्टिस जो है उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो 35 से कम रहता है। इसके बाद अगर हम देखें, इट इज़ कम्पोज ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। ये आपके सामने ये टेस्टिस हैं, ये वाले ये टेस्टिस हैं जिसको हमने कहा था ये टेस्टिस हैं। इनके अंदर सारी नालियां थी, इनको हमने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहा था, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनने वाली चीज़ जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हैंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो मेल होते हैं उनकी जो टांगें हैं उनके सेंटर के अंदर एक थैली लटकी होती है मसल्स की, उसको हम स्क्रॉटम कहते हैं, और उसी स्क्रॉटम के अंदर जो है टेस्टिस मौजूद होते हैं। कितनी तादाद में? एक जोड़ा होता है, मतलब कि 2 टेस्टिस मौजूद होते हैं हर मेल के पास। अब इसके बाद देखा जाए, ये हमने बात की किस चीज़ की, एक्सटर्नल जेनिटिलियल। उसके बाद बात करेंगे इंटरनल जेनिटिलियल की। इंटरनल जेनिटिलियल के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, डक्ट्स और ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनिटिलियल के अंदर ये चीज़ें शामिल थीं, पिनिस और टेस्टिस, और इंटरनल जेनिटिलियल के अंदर जो है डक्ट्स और ग्लैंड शामिल हैं। पहले हम बात करेंगे डक्ट्स की, उसके बाद बात करेंगे ग्लैंड्स की। एक एक पॉइंट करके समझते जाइएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। तो आप देखें डक्ट्स के अंदर पहली नाली जो है उसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद एपिडेडिमस, उसके बाद वैज डिफरेंस या वाज डिफरेंस। अब हम देखते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को। ये जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कन्वल्यूटेड बल खाए हुई नालियाँ होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं साइट्स ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्पर्म प्रोडक्शन की जगह कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके पास जो है 2 तरह के सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और सर्टोली सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और सर्टोली सेल्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। कौन? इंटरस्टिशियल सेल्स। और सर्टोली सेल्स जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के नीचे, इनसाइड, मतलब के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में ये पाए जाते हैं, और इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इनसाइड मतलब अंदरूनी साइड पे कौन पाए जाते हैं या नीचे कौन पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखा जाए ये जो आपके पास इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को खारिज करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को कंट्रोल करता है। मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर का क्या मतलब है, मुंह पर बालों मतलब दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, स्पर्म बनना, ये सारे के सारे मेल सेकेंडरी करैक्टर हैं। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, और इसको कौन खारिज करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स खारिज करते हैं। अब इसके बाद देखा जाए हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर, स्पर्म प्रोडक्शन में। ये आपके पास किस चीज़ का काम था, इंटरस्टिशियल सेल्स का। अब बात करते हैं सर्टोली सेल्स की। अब आप ये देखें ये क्या करते हैं, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट खुराक प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं किस चीज़ को, स्पर्म को। ये सारे का सारा काम किस चीज़ का होगा, सर्टोली सेल्स का, और ये सारे का सारा काम किस चीज़ का होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स का। ये काम किस चीज़ के अंदर हो रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद बात करते हैं किस चीज़ की, एपिडेडिमस की। एक एक दो दो लाइनें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एपिडेडिमस की बात करेंगे, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के बैक साइड के ऊपर पाई जाने वाली नाली को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफरस, सॉरी, टेस्टिस की बैक साइड के में पाई जाने वाली नाली को हम कहते हैं एपिडेडिमस। इसके बाद देखा जाए ये क्या करते हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म बन चुके थे उनको रिसीव करने का काम कौन करता है? एपिडेडिमस करता है। अब आप ये देखिएगा, एपिडेडिमस के बाद ये जो स्पर्म बने हुए हैं वो किस चीज़ के पास जाते हैं? वाज डिफरेंस के पास। वाज डिफरेंस के पास, वाज डिफरेंस के पास। अब क्या होगा, वाज डिफरेंस जो है ये आउटसाइड ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो है एपिडेडिमस से रिसीव कर लेते हैं किस चीज़ को? स्पर्म्स को। ये नालियाँ जो हैं आपके पास, इनको हम डक्ट्स कहते हैं, इंटरनल जेनिटोलियल के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ग्लैंड्स, तीन तरह की नालियाँ, तीन तरह के ग्लैंड्स। हर एक नाली का काम याद करना है, हर एक ग्लैंड का काम याद करना है। तो आप देखिएगा ज़रा, ग्लैंड्स की बात की जाए तो सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, और कॉपर ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या था? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीन तरह के ग्लैंड हैं, हर एक का फंक्शन आपने याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, सेमिनल ग्लैंड क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म। स्पर्म को ग़िज़ा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सेमिनल ग्लैंड करते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, तेजाबियत को कम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कॉपर्स ग्लैंड क्या करते हैं? ये जो डक्ट्स होती हैं उनको स्लिपरी कर देते हैं, चिकनाहट पैदा करते हैं ताकि स्पर्म उनके अंदर से आसानी से आगे की तरफ मूव कर सकें। ये आपके पास ग्लैंड्स के काम थे। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का बनना जो है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक एक पॉइंट करके समझते जाइएगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ की? एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स। एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स टेस्टिस के अंदर होते हैं। ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। स्पर्मेटोजोआ 2n है, डिप्लॉयड है। इसके अंदर होती है माइटोसिस। सबसे पहले एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर, डिप्लॉयड होते हैं, माइटोसिस होती है। यहाँ से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, ये भी डिप्लॉयड है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या होती है? फिर मियोसिस 1 होती है। और से सुनिएगा, इसके अंदर क्या होती है? मियोसिस 1 होती है। मियोसिस के दौरान ये जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। यहाँ पे 2n था, मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे 1n 1n, मतलब ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं इनके अंदर फिर मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 जब होती है, 2 से कितने बन जाते हैं? 4 सेल्स बन जाते हैं। हर एक सेल क्या होगा? 1n 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 1n। ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। अब इसके बाद जब ये चीज़ बन जाती है तो इसको हम कहते हैं स्पर्माटिड्स। क्या कहते हैं? स्पर्माटिड्स। सबसे पहले एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1 हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 हुई, फिर स्पर्माटिड्स बने। स्पर्माटिड्स क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, अनडिफरेंशियल सेल्स होते हैं, इमेच्योर होते हैं। अब इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ से क्या बन जाते हैं? स्पर्म बन जाते हैं। तो आप देखिएगा, ये आपके सामने स्पर्म है, इसका ये वाला हिस्सा एक्रोसोम कहलाता है, इसको हम हेड कहते हैं। टेल मौजूद होती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियंस की तादाद भी पाई जाती है। अब ये जो आपके पास स्पर्म होते हैं ये मैच्योर होते हैं, टेडपोल होते हैं, डिफरेंशियल सेल्स होते हैं। ये आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये सारे का सारा स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसके बाद जब स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। जब स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो उसके बाद किस चीज़ का बनना? स्पर्म्स का बनना स्पर्माटिड्स से, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म है, उसको हम कहते हैं सीमेन, जो लिक्विड बन चुका होता है। लिक्विड के अंदर 10%